महाराज जी राधे राधे, आपके कोटि चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं सतना जिला से बिरसिंहपुर से आया हूँ, आप सिमरिया के हैं मुझे मालूम है, तो आप कहें तो मैं अपने गांव की भाषा में बात करें। हाँ हाँ, आप करिए। तो हम जैसन पड़ुहार गांव से हैं, तो हम यह जानना चाहिए थे कि जैसन हम लोग सब यात्रा लेके जाई थे, ठीक है, सब यात्रा लेके गए, और उसके बाद वहाँ अंतिम संस्कार भा, अंतिम संस्कार करे के बाद हम लोग घर आई थे, और घर आए के स्नान करी थे, तो मतलब कि वह जगह अछू थी। और कौन सी जगह अछू थी? शमशान घाट, जहाँ हम लोग जाके अग्निदाह करते हैं लोगों का, अग्नि संस्कार। जगह अछूत क्यों है, कौन बोलता अछूत? फिर आके स्नान क्यों किया जाता है? अरे भाई, आपका मन क्या है कि स्नान ना करो? नहीं, क्योंकि वहाँ पे देखिए पंच तत्व आपस में एक दूसरे में विलीन होते हैं। अरे पंच तत्व की बात नहीं है बेटा, कितना साइंस है इसके पीछे, साइंस विज्ञान जानते हो कुछ? जी जी। जानो बेटा, जब आदमी मरता है जी, तो मृत व्यक्ति के बॉडी में, शरीर में जी, नाना प्रकार के बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जी, नाना प्रकार के बैक्टीरिया, इसलिए मरे हुए आदमी के शरीर से दुर्गंध आने लग जाती है। हाँ, डिकम्पोज हो जाती है बॉडी। उसके बाद क्या होता है, अनेक प्रकार के बैक्टीरिया यदि हैं और आप आसपास हैं, कहीं वो बैक्टीरिया आपको अपना शिकार ना बनाए, आपकी बॉडी पे ना आए, इसलिए आपको नहा लेना चाहिए, ताकि आपके अंदर यदि वो बैक्टीरिया प्रवेश कर रहे हो तो बॉडी पे ही साबुन इत्यादि लगा के मिट्टी से लेप करके वो मर जाएंगे। नहीं तो लोग क्या बोलते हैं कि वहाँ से आए हो, जल्दी स्नान करो, घर के अंदर नहीं जाना, घर अपवित्र हो जाएगा। हाँ हाँ, ठीक कहते हैं। और महाराज जी, एक सवाल कि जैसे फिर उसके बाद हम अपना जिस दिन शुद्ध होता है मुंडन कराते हैं, हाँ, तो यदि हमारी इच्छा नहीं है तो वो ना कराएं तो क्या वो अपराध बन जाएगा महाराज जी? भाई, मुंडन कराने की परंपरा है, काहे ना कराओगे मुंडन? जैसे मन करता बालों है। से बड़ा प्यार करते हो? नहीं नहीं, हाँ, झड़ जाएंगे ये। जैसे बालों का मतलब है उस्तरा चराना छोड़ दिया है कि बालों में उस्तरा नहीं लगाना है। तो भाई, जब दादाजी मरते हैं जी, तो मुंडन कराने की परंपरा रही है भारत की जी, कराना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कराऊंगा, क्यों नहीं कराओगे? परंपराएं नहीं मानोगे तो कौन मानेगा, फिर कल को तुम्हारा बेटा कैसे मानेगा? मनमाना आचरण नहीं करते बेटा, हमारे यहाँ मनमाना नहीं है। नहीं, मैं नहीं करूँ, क्यों नहीं करोगे? परंपरा जो है वो फॉलो करो, मनमाना नियम ना बनाओ, जो ऋषि मुनियों ने बना दिया है उसी को फॉलो कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जी महाराज जी, राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। जय श्री मन्नारायण गुरुदेव। जय श्री मन्नारायण। जय श्री कृष्णा गुरुदेव। मैं परमपिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपकी वाणी से हम लोगों को सन्मार्ग की रास्ता मिलता है। तो गुरुदेव, मुझे एक ही प्रश्न करना था कि अगर कोई मुझे बोले कि तुम सनातनी हो, तो मैं अपने मुखार बिंदु से कैसे मैं कहूँ कि मैं सनातनी हूँ? मतलब कि मैं कैसे जवाब दूँ? अगर कोई अन्य पुरुष मुझे बोले कि तुम सनातनी हो, तो मैं कैसे अपने, मतलब कोई वैदिक मंत्र से मैं तो जवाब दे सकता? हम सनातनी हैं, हम धर्म का पालन करते हैं। धर्म क्या है? अहिंसा ही परमो धर्म, ये याद कर लो, अहिंसा ही परमो धर्म। हम अहिंसा की बात कर, अहिंसा मतलब किसी की हत्या ना करना अहिंसा है, किसी की हत्या करना हिंसा है। हम अहिंसा के पुजारी हैं, मीन्स हम किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते या नहीं दुखाते, इसलिए हम सनातनी हैं, क्योंकि हम सब पर दया करते हैं और प्रेम मोहब्बत से रहते हैं। जी गुरुदेव, और मैं तमाम भारतवासियों को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर जीवन में आप कुछ ना करें तो प्लीज़ एक बार भागवत कथा जरूर सुने, क्योंकि भागवत कथा सुनने से ही हमें ना भगवान की ओर प्रेरित होता है, हमें सन्मार्ग की रास्ता मिलता है। तो मेरे जीवन में काफ़ी चेंजिंग हुआ है भागवत कथा सुनने से। बिल्कुल, आपको कोटि कोटि प्रणाम।